बाबूजी आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ, अरे आज मेरा बेटा सुबोध मुझे लेने आ रहा है। अच्छा ऐसा करना कि मैं तो चला ही जाऊंगा, ये घर का सारा सामान तुम ले जाना, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं रही। अच्छा बाबूजी आपने बहुत पुण्य के काम किए हैं, नहीं तो आजकल के बच्चे माँ बाप की सूद कहाँ लेते हैं। सो तो है। सब हाल चाल ठीक वहाँ पर, पकड़ी बच्चे सब ठीक है? ठीक। अरे जमली, अरे इस मौत के लिए चाय तो लाना बाबू। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। वो कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही। ऐसी बात नहीं है, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, मुद्दे की बात पर तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाती। वो बाबूजी मैं आपको नहीं ले जा सकता, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन बेटे मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, मैं तो पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। तुम तो हमेशा कहा करते थे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी के बात पर समय रहते मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, फिर ऐसा क्यों? बाबूजी नलिनी की माँ कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। ओ, ओ, ओ। सब बाबूजी चलते हैं। मेरे सारे सपनों पर कुठाराघात हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी उम्मीद थी कि इस बार ले जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।